साइंस क्विज, मैथ क्विज और साइंस एक्टिविटी कॉर्नर प्रतियोगिता हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित की जाती थी, जिसमें खंड, जिला स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। प्रतियोगिता में भारी संख्या में विद्यार्थी भी भाग लेते रहे हैं। इस बार प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाई गई। आपको बता दें कि सैकड़ों बच्चे जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना पंजीकरण भी करवा चुके हैं। ये जानकारी सोलन में जिला विज्ञान समन्वयक अमरीश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि साइंस, मैथ और साइंस एक्टिविटी कॉर्नर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले सोलन के चार खंडों में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कंडाघाट, सोलन, अर्की और नालागढ़ शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों की पहले स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को कंडाघाट, 6 को अर्की, 9 और 10 को नालागढ़ और 11-12 तारीख को ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी या स्कूल इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वे शिक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी जिला के जो साइंस टीचर्स और बच्चे हैं, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस साल जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की प्रतियोगिताएं हैं, वो ऑनलाइन करवाई जा रही हैं। इस साल वेबसाइट में 2022 बच्चे रजिस्टर हुए हैं और ये सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसमें जो हमारे जिला के 4 सब डिविजन्स हैं, अर्की, कंडाघाट, सोलन और नालागढ़, इन सभी बच्चों को श्रेणीवार और सब डिविज़न और क्लास वाइज विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म का जो लिंक शेयर किया जाएगा, उसके माध्यम से बच्चे टेस्ट देंगे और इनके जो टीचर हैं, जो गाइड टीचर हैं, फैकल्टी मेंबर्स, उन्हें गूगल मीट के माध्यम से जोड़ने पर बच्चों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस उपलक्ष्य में जो भी निर्देश हमें हमारे उप शिक्षा निदेशक श्री रोशन जसवाल जी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री चंद्रमोहन शर्मा जी ने दिए हैं, उसके अनुसार इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 5 नवंबर को कंडाघाट के लिए, 6 और 7 नवंबर को अर्की के लिए, इसके साथ साथ नालागढ़ सब डिवीज़न के लिए 9 और 10 नवंबर को और 11 और 12 को सोलन सब डिवीज़न के लिए किया जाएगा।